हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्मोक हाउस चंडीगढ़। आज फिर एक नए हुके के साथ हम आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग हुका है, बहुत ही ऑसम हुका है। और बिना आपका समय बर्बाद किए करते हैं आज की अनबॉक्सिंग स्टार्ट। सो गाइस, ये है रशियन ताओ हुका, जो कि बहुत ही अच्छा हुका है। इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ अनबॉक्स करके इसको। तो गाइस, सबसे पहले है ये इसकी सिलिकॉन की पाइप, और इसमें भी लॉन्ग हैंडल है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि जब भी हम हुक्का पीते हैं तो हुक्का अगर हैंडल से पकड़ के पीते हैं तो उसे पीने में बहुत मज़ा आता है, तो इसलिए मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। ठीक है, और उसके साथ एक स्प्रिंग भी मिल रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिलिकॉन की पाइप में कई बार हम जो खींचते हैं तो ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, ऐसे मुड़ जाती है, लेकिन क्या है कि जब स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग की वजह से ये कभी ऐसे नहीं मुड़ेगी। आपकी पाइप जो है वो हमेशा सीधी रहेगी, और स्मोक जो है बिल्कुल सीधा आपके गले तक जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारी सीधा सिलिकॉन की पाइप। इसको हम साइड पे रख देते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो गाइस, ये है इसकी स्टेम। ठीक है, बहुत ही प्यारी लग रही है। ये गोल्डन सा कलर है और सिल्वर कलर साथ में है। ठीक है, और इसमें एक चीज और है, इसमें एयर आप पास करने के लिए ये चीज बनी हुई है। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब हम हुक्का बनाएंगे। ठीक है, और ये यहाँ से खुलता है ऐसे करके। इसके बीच में यहाँ पर एस ट्रे लगेगी। ठीक है, अभी इसको रख देते हैं, इसको भी साथ में। और गाइस, ये है साथ में इसके इसका बेस, जो कि बहुत ही प्यारा बेस है। मैंने इसे ओपन करके देखा था, इसकी क्वालिटी जो है बहुत ही प्यारी क्वालिटी है। ये ब्रास की चीज वो लगा हुआ है इसका, जो चूड़ियाँ सी यहाँ पर बनी हुई है उसमें, ये ब्रास की है, ये भी ब्रास का है। ठीक है, और इसकी जो पाइप है ये भी ब्रास की है, और ये जो है ये हमारी स्टेम में नीचे लगती है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। इसको पहले फिक्स कर लेते हैं यहाँ से। और ये भी लॉकिंग सिस्टम वाला हुक्का है, जैसा कि मैंने पिछला रशियन ताओ हुक्के की अनबॉक्सिंग वीडियो आपने देखी थी। इसको टाइट करके हम इसको यहाँ पर इस पर फिट करेंगे। ठीक है, और एक मिनट पहले देखते हैं कि इसकी एस ट्रे कैसी है। तो गाइस, ये इसकी एस ट्रे है, देखिए बहुत प्यारी एस ट्रे है। इसको हम यहाँ पर लगाएंगे और इसको यहाँ से टाइट कर देंगे। और गैस इसके अंदर और देखते हैं क्या है। इसके साथ एक मिट्टी की चिलम मिलती है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और देखते हैं इसमें क्या है। साथ में इसके है टोंग, और टोंग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसमें आगे पिन भी बनी हुई है होल्ड करने के लिए। ठीक है, और अभी इसको सारी चीज़ों को हम साइड पर रख देते हैं। तो गैस, ये रहा हमारा हुक्का। इसमें लॉकिंग सिस्टम है, यहाँ पर कोई रबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जैसे करके ये परमानेंटली यहाँ पर लॉक हो जाता है। और इसमें क्या है कि डायरेक्टली आपको पाइप यहीं पर फिक्स करनी है। पहले इसके अंदर स्प्रिंग को यहाँ डाल देंगे, स्प्रिंग डाल दिया है, और पाइप को यहाँ पर फिट कर देंगे। ये होगी हमारी पाइप फिट। ठीक है, और ये हमारा हैंडल, इसको हम पहले हुक्के को थोड़ा ऐसे कर देते हैं ताकि आपको हुक्का प्रॉपरली दिखे। और ये हैंडल है, हैंडल को भी हम फिक्स कर देते हैं। तो गाइस, ये हुक्का हमारा रेडी हो गया है, यहाँ पर चिलम लग गई है, ये हमारा हुक्का है। सो गाइस, हुक्के को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि इसकी बेस देखते हैं, उसकी बेस की क्वालिटी कैसी है, और बेस में पानी भरते हैं। ठीक है, तो इसको हम साइड पर रखते हैं। ये इसका बेस है। ठीक है, बहुत ही प्यारा डिजाइन है, आप ध्यान से देखिए, बहुत ही प्यारा डिजाइन है इसका। और ग्लास की क्वालिटी है, बहुत ही मोटा ग्लास है इसका। ठीक है, और इसमें क्या है कि देखिए, हुक्के का जैसा कलर है, आजकल क्या है कि आप इसमें कलर्स भी डाल सकते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट अभी। ठीक है, आप इसमें येलो कलर डाल सकते हैं, ऑरेंज कलर डाल सकते हैं, जो भी आपका मन करता है, जो हुक्के से आपका मैचिंग होता है उस टाइप का कलर डाल सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले हम पानी डालते हैं। तो पानी कितना भरना है ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। आपकी स्टेम जो है वो थोड़ी सी हाफ इंच आपका जो है स्टेम अंदर डूबना चाहिए पानी के। तो वैसे हमने पानी डाल दिया, अब देखिए आपको बताता हूँ। ये जो है स्टेम मेरी थोड़ी सी पानी के अंदर डूबनी चाहिए, पानी थोड़ा और डालना पड़ेगा, थोड़ा कम हो गया पानी। पानी हमने इसे भर दिया है, देखिए। ठीक है, अब इसकी हम यहाँ पर लगाते हैं स्टेम, पहले इसको उतार लेते हैं। लॉकिंग
लॉकिंग सिस्टम है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है लॉकिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें क्या है कि एक बार आपने हुक्के को लॉक कर दिया उसके बाद हुक्के को आप यहाँ से पकड़ के भी उठा सकते हैं। जो ग्रिपिंग वाला सिस्टम होता है वो भी अच्छा होता है, टाइट होता है, बट उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, आप हुक्के को स्टैंड से पकड़ के नहीं उठा सकते। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम यहाँ पाइप फिट करते हैं, पानी हमने भर लिया है, स्टेम हमारे पानी में डूब के एक बार चेक करना है कि इसमें आवाज़ आ रही है, जो हुक्के की आवाज़ आती है हुक्के के बाद बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो वैसे हम चिलम तैयार कर लेते हैं। देखिए हर वीडियो में क्या है कि मैं अपनी सिलिकॉन की चिलम यूज़ करता हूँ, लेकिन आज क्या है, आज हम मिट्टी की चिलम यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है कि हाँ भाई सर आप मिट्टी की चिलम क्यों नहीं बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे मिट्टी की चिलम में और आपको दिखाएंगे कि मिट्टी की चिलम में स्मोक कैसा आता है। ठीक है, तो गैस अगर आपने आप जानना चाहते हैं कि मिट्टी की चिलम को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे बनाना है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि मिट्टी की चिलम को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है गैस, तो हम इसको ओके को रेडी करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका स्मोक कैसा होता है। सो गैस चिलम हमने रेडी कर दी है और हमने फिट भी कर दी है, अब देखते हैं इसका स्मोक कैसा आता है। पानी भी हमने भर लिया है गैस, फ्लेवर तो बहुत अच्छा आ रहा है, स्मोक बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम 7-8 ड्रैग मुझे खींचने पड़ेंगे, या फिर अगर आपके पास हुका स्टार्टर है तो आप हुका स्टार्टर से यूज कर सकते हैं, उससे बहुत बढ़िया आता है। सेकंड थर्ड, देखिए 3 ड्रैग्स में कितना अच्छा स्मोक आ रहा है। अब देखिए खासियत होती है, इनका स्मोक बहुत ही अच्छा बनता है। तो अगर आप अच्छा स्मोक ढूंढ रहे हैं तो आपको रशियन ताओ हुक्का ट्राई करना चाहिए एक बार। ठीक है, तो अभी देखिए मैं दोबारा आपको एक और ड्रैग देख के दिखाता हूँ कि इसका स्मोक कितना अच्छा स्मोक निकल रहा है, और इतना स्मोक शायद मेरी पिछली किसी वीडियो में आपने नहीं देखा। अगर आप सोचते हैं कि सिलिकॉन की चिलम से ही बहुत अच्छा स्मोक आता है तो गैस आप बिल्कुल गलत है, मिट्टी की चिलम से भी बहुत अच्छा स्मोक बन सकता है, बस आपको मिट्टी की चिलम कैसे प्रिपेयर करनी है वो बनाना आना चाहिए। और मैंने आपको पहले भी बताया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से चेक कीजिए मैंने ये चिलम कैसे प्रिपेयर की है, इसके बारे में मैंने एक एक चीज़ बताई है, कितना फ्लेवर डालना है, कैसे डालना है, और आप भी ऐसा स्मोक बना सकते हैं मिट्टी की चिलम से। सो गैस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, और मेरा इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है हुक्के से रिलेटेड या आपको कुछ भी अपने पूछना है आप बेझिझक आप मुझे सीधे मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपको मैं जितने भी मुझे मैसेज आते हैं हर मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, और थैंक यू।